जो ये महीना चल रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए तबारुक का इंतजाम किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस चौक को बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे तरह तरह के बैनर और मैसेजेस के चलते यहाँ पर छोटे छोटे बोर्ड भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का जज्बा है यहाँ पर जेनेक्स स्पोर्ट की ओर से जो ग्रुप है 10-20 लोगों का ग्रुप है। यहाँ पर अगर बात करें बात तबारुक की, हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8-9 बजे तबरुकात का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सिर्फ खाना ही नहीं, यहाँ पर जूस और पानी का आप सकते हैं। लगातार यहाँ पर लोगों को इंतजाम किया जा रहा है। 3 दिशा से ऊपर रोड है, 3 जगह से लोग आता है, क्योंकि एक चौक ऐसा है जहाँ पर हर रोज कोई ना कोई गाड़ी आती है। किस तरह के यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ इससे पहले हमने देखा कि हुसैनी जो कैंप है जहाँ पे किचन लगाया गया था, वहाँ पर इनका कहना है कि 500 से ज्यादा लोगों को रोज खाना और पीने का और उसके साथ साथ रिफ्रेशमेंट का भी आप देख सकते हैं। इनके वॉलंटियर्स एसओपी का भी पालन करते हुए इन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं। बाजबता जो पैकिंग जो है यहाँ पर खाना दिया जाता है, जितने भी यहाँ पर ट्रैवलिंग करने हुए जितने भी यहाँ गाड़ियाँ आती है, चाहे ऊंच नीच ना देखते हुए यहाँ पर चाहे हर तरीके के हर तबके के लोगों को ये तबरुक फ्री ऑफ कॉस्ट में कहूँगा ये दिया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह ये अच्छी तरह इस जगह को सजाया गया है अलम के साथ और हर जगह मैसेज आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह गाड़ियों में किसके के चलते ज़बरदस्ती यहाँ पर कुछ काम किए जा रहे हैं। कोई अगर ना भी चाहे तो यहाँ पर दिल के खुलूस से दिया जा रहा है तबरुक। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी देखते ही नहीं, यहाँ पर इनके जो वॉलंटियर है वो दे दीजिए पानी कोस्ट ऑफ हुसैन के नाम पे पानी दिलाया जा रहे हैं। ये है जेनेक्स सोसाइटी का डी सर। और सर आपका नाम क्या सर? गुजराम। ये जेनेक्स सोसाइटी है सर जिन्होंने तबरुकात का इंतजाम किया, क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ आप ज्यादा से ज्यादा पसंद करता है पानी। जी जी, ज्यादा से ज्यादा पानी पसंद। तो ये क्या, ये लोग क्या काम, अच्छा काम कर रहे सर? ये तो दीन का काम है, क्या बोलता है ये? अच्छा काम, ये मजहब का काम, दीन का काम है ये। खाली यही लेना आखिर। जी जी, इससे बगैर तो कुछ नहीं लेना। यहाँ के लद्दाख के लोगों के लिए खासकर जो इस मुहर्रम के समय पे क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे? लोगों को यही कहना भाईचारा रखना, भाईचारा रखना, आपस में पंगा नहीं होना चाहिए। जी जी, धन्यवाद। ये एक हमने एक रेंडम एक हमारे बुजुर्ग रूम से सवाल किया। आप देखिए यहाँ पीछे अभी भी लगातार इनका जो सर्विस है वो लगातार चलता है। हम इनके एक प्रेसिडेंट से बात करते हैं कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह के यहाँ पर कितने समय से ये जो लंगर लगाया है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जावेद जो कि जेनेक्स का प्रेसिडेंट है। जावेद भाई, एक तो बहुत बढ़िया आपने जो इंतजाम किया है मुहर्रम के, मुहर्रम हराम के जो इस महीने में, तो जावेद भाई ये बताइए इमाम खोमेनी मेमोरियल चौक पर आपने ये लंगर लगाए, कब से लगाया और रोज कितने लोगों को आप ये तबरुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? सबसे पहले मदर सेंटर्स आपके तमाम टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने यहाँ पर तशरीफ लाए। पिछले साल से हमारा हुसैनी लंगर शुरू हुआ था। पिछले सबको मालूम है कि COVID-19 की वजह से पिछले साल मुहर्रम नहीं माना पाया था मजलिसों पर, तो ज़्यादा लोग जा नहीं पा रहे थे, तो हमने ये मजलिस ये तबरुकात बांधना जो है पिछले साल से शुरू किया था। तो फर्स्ट मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक, फिर उसके बाद 40वें दिन जिसको हम अरबाइन कहते हैं उस दिन फिर हम तबरुकात बांटते हैं। अच्छा जावेद भाई, एक बार और बताइए, आपने कहा कि तबरुकात जो
हमने अभी भी आप किचन का मुजाहरा किया, तो तबरुकात के लिए आपको सारे जाहिर से बात है किसी भी चीज के लिए रोज 500 लोगों को खाना खिलाना, रिफ्रेशमेंट, पानी का आपने यहाँ पर, और हम देख सकते जितने भी आपने यहाँ फ्लैग्स लगाए हैं, बैनर लगाए, इन सबका खर्चा जो थोड़ा बहुत आता होगा वो आप किस तरह आप भरपाई करते हैं? हमारे जेनेक सोसाइटी के सभी मेंबर्स से हम कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद माशाल्लाह सारे कौम के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, हर कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बहुत बढ़िया जावेद, और एक बात और बताइए, यहाँ के लोगों से और जो लोग यहाँ अभी तक यहाँ हुसैन लंगर से तबरुकात नहीं ले पाए उनके लिए क्या मैसेज होगा जो लोग यहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाए? हमारा यही है कि डोर टू डोर तो हम ले नहीं सकते, हमारा यही है कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये यहाँ पे तशरीफ लाइए और हमारे यहाँ से तबर कर ले जाइए। दूसरा इस सिनी लंगर का ये है, हमारा यही मेन मकसद है कि देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हम ये। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है जावेद जेनेक्स के प्रेसिडेंट के नाम से, और एक बात दो से चार बात इन्होंने कही कि ये इंसानियत के चलते इस लंगर का इन्होंने इनाकात किया गया। यहाँ पर ना सिर्फ मुसलमान ने, हिंदू ने, सिख ने, ईसाई ने, जो भी यहाँ राहगीर आते हैं उनको रिफ्रेशमेंट और जितने भी इन्होंने खाने का अगर बात करें तो पानी का प्रबंध भी किया हुआ है। तो बिना हम जिसे कह सकते हैं कोई ऊंच नीच नहीं, भाव भेव नहीं, कोई भी बंदा यहाँ आता है, दिन में दो बार आता है, चार बार आता है, तो यहाँ पर लंगर का इनेकाद किया गया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इनकी अगर मदद करी जा सके आगे आने वाले समय में तो इनके लिए और भी अच्छा काम हो सकता है। जेनेक्स की ओर से फिलहाल एसओपी का भी ख्याल रखा जा रहा है, ग्लव्स के साथ ये जो तबरुकात है वो बांटे जा रहे हैं। लद्दाख फ्रंटियर के लिए आसिफ जुल्देवी। खोमेनी मेमोरियल चौक पर एक लंगर का इनेकाद किया गया, आप देख सकते हैं कि इनके लंगर जहां बनता है हम आपको वहां लेके चलते हैं। हुसैनी लंगर के नाम से वहां पर आप देख सकते हैं सामने एक फ्लैक्स बना हुआ है, जेनेक्स स्पोर्ट्स एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी चुशोत। अभी तक हमें जो एक देखने को मिला चौक पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से चौक को सजाया गया था हुसैनी लंगर के नाम से, जितने भी यहाँ से राहगीर गुजर रहे थे उनके लिए तबरुकात का इनेकाद किया था जेनेक्स स्पोर्ट्स ने। आइए अंदर देखते हैं कि क्या मौजूदा हाल है और बातचीत करते हैं इनके जेनेक्स के किसी भी मेम्बर से, हम देखते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर जेनेक्स के जो जितने भी कर्मचारी या जो काम करने वाले और जितने भी यूथ है ज़्यादातर यहाँ पर, हम सीधे किचन में आ गए हैं। किस तरह का एक एसओपी का ख्याल रखते हुए ग्लव्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, मास्क बाकायदा इन्होंने, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। किसी भी अगर किसी को तबरुकात प्रदान करना है, किसी को तबरुकात देना, तो ऐसी एक सफाई जो कि जिसका बहुत बड़ा ख्याल रख रहा है। यहाँ पर हम किसी से बात करेंगे तो देखते हैं कि क्या किस तरीके के, आप बताइए कि दिन में कितने तबरुकात बनते हैं यहाँ पर? लगभग 500 पैकेट हम रोज पैक करते हैं। जी 500 पैकेट रोज बनाते हैं, और आपका कोई मेन शेफ या कोई है जो यहाँ पर ये रोज तबरुकात बनाते हैं? हमारे सोसाइटी के मेंबर्स ही है, इसमें वॉलंटियर है सारे। जी तो ये बता रहे कि ये 500 लोगों का जो सुबह सवेरे आते हैं, 500 लोगों का तबरुकात यहाँ पर इंतजाम किया जाता है, बहुत ही साफ सफाई से किया जाता है। और जैसे भी मैंने आपको बाहर भी दिखाया जहाँ पर पानी की जो एक सुविधा है और जूस भी वहाँ पूरे दिन दिया जाता है, ये नहीं कि एक समय के लिए, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक दिया जाता है। जेनेक्स स्पोर्ट्स की ओर से जेनेक्स जहाँ पर ये जो चौक है इसका नाम एक बार फिर बता दूँ, इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट चौक सुशोत में है। और जो जितने भी हमारे लोग जो नहीं पहुँच पाए यहाँ से तबरुकात ले और सवाब इदारा हासिल करें लद्दाख फ्रंटियर। आएंगे इमदाद को शेर खुदा सच कल तो सुना चार है एक गरीब वतन कोई मसीह नहीं आज बयाबान में ले अलमदार।
नाज़रीन जिस तरह पूरे लद्दाख क्षेत्र में पूरे अगर हम बात करें चुशोद योगमा की गोमा की आज अभी हम मौजूदा जो हम जहां मौजूद है वो जगह है इमाम बालगर ले यहां पर अंजुमन इमामिया ले टाउन जो उनके यूथ मिलकर यहां पर भी एक बड़े हुसैन लंगर का इनका किया है। जानते हैं उनके हम किचन की ओर चलते हैं जहाँ आपको आंखों देखा हाथ दिखाते हैं किस तरह की ये किस तरह की जो लंगर लगाए जाते हैं यहाँ पर हमारे साथ आप देख सके किस तरह के इनका किया गया है बड़े बड़े बर्तनों में। हमें किसी इनके एक मेंबर से बात करते कि किस तरह सर आप बताएं कि कितने लोगों का खाना बन रहा है सर आज। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आप यहाँ पे और हमारे इसको कवर किया है। तो यहाँ पे तकरीबन हम अभी शाम के लिए 1500 लोगों के लिए बना रहे हैं जी। 1500 लोग यानी कि ये जो लंगर है आप कितने दिन से कितने समय से आपने जो मुहर्रम का महीना चली रहा है तो कब से लंगर की शुरुआत और दिन में सुबह से शाम तक कितने लोगों को आप ये लंगर देते सर। तो सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा, ये जो अभी बन रहा है ये लंगर का हिस्सा नहीं है। तो लंगर का उस साइड में जैसे आपने देखा वो बन के अभी खाना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कम से कम दिन में 350 से 500 के बीच में हम बनाते हैं। तो ये जो अभी बन रहा है ये हमारा एक मखसूस ग्रुप है जवानों का। तो मुझे याद भी नहीं आपका हमने शुरू किया था तो पहले हम एक पानी के बोतल से शुरू किया था और आज खुदा का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि हमें तस्वीर लगा है कि लोगों का तो ये जितने भी आपने अभी फरमाया कि लंगर के अलावा भी लोग खबरकार में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं आप मुझे ये बताइए कि बहुत सारे जाहिर सी बात है इतने सारे लोगों का आपने अभी बताया कि 1500 लोगों का और लंगर का अलग से जितने भी भेदभाव किए ये मुस्लिम ने सिख ने ईसाई ने जो भी यहाँ पर शख्स आते हैं तो यहाँ लंगर खा सकते हैं तो इसका थोड़ा सा खर्चा तो अमूमन आता ही है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। लंगर का खर्चा तो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जितने भी अपने मुमिन है हस्बैंड वगैरह कंट्रीब्यूट करते हैं और ये जो बन रहा है ये हम लोग जो हमारे जो ग्रुप है वही कंट्रीब्यूट करते हैं और बाकी कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा टमाटर का लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जी। इंसानियत के चलते इस जो लंगर का इनकार किया गया है केवल सिर्फ ले टाउन के लिए नहीं लद्दाख के जितने भी लोग ले मार्केट में हो या बाहर से आए हुए टूरिस्ट भी यहाँ पर कभी आके लंगर खाए थे तो ये एक मिसाल है इंसानियत के लिए कि बिना पैसे चार्ज किए जो अभी इन्होंने बताया कि जो इनका जो खर्चा आता है वो दिल से खुशी से इमाम हुसैन के नाम पर यहाँ पर ये पैसे जमा करते हैं। अब एक बार मुझे वो बताइए कि एक मैसेज क्या है उन लोगों के हमारे यहाँ पर लद्दाख के लोगों के लिए मैसेज क्या होगा कि इमाम हुसैन के चर्च इमाम हुसैन ने अपने कौम के लिए ऐसे जाने दिए और इमाम हुसैन के लिए हम ये सारा चीज़ें कर रहे हैं आपका मैसेज क्या होगा लद्दाख के वासियों के लिए। जी सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ कि इमाम हुसैन के नाम पर एक मैसेज दूँ। फिर भी शहीद शोधा ने जो जिस चीज़ के लिए जो अजीम शहादत पेश की अपना शहादत और अपने खानदानों का शहादत तो उसको ना भूलते हुए उनके जो मिशन को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो लोगों से भी यही अपील रहेगा कि अभी जो आपको पता है अभी का दौर जो है वो पेंडेमिक का दौर है तो जो भी SOPs है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और इमाम हुसैन के नाम पे इमाम हुसैन का जो मैसेज है वो आगे तक पहुँचाने की कोशिश करें। जी हाँ है लेह के जामा मस्जिद के लंगर जहाँ लग रहा है मुहर्रम के इस पाक महीने में जहां हर जगह जगह पर इमाम हुसैन के नाम पर लंगर लगाया जा रहा है बिना किसी भेदभाव ऊंच नीच के यहां पर आप देख सकते हैं ख्वातीन भी मौजूद है और यहां पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो अभी पैकेज आ रहा है जिसमें बहुत सारे रिफ्रेशमेंट भी मौजूद है खाने के सामान आ रहे हैं। तो इस मुहर्रम में एक मैसेज जरूर जाता है कि इंसानियत का मैसेज जहाँ हर जगह चाहे शिशोद की बात करें चाहे लेह इमाम बालगर के नीचे हम मौजूद है उसकी बात करें यहाँ पर भी बड़े संख्या में बड़े मात्रा में यहाँ पर भी तबरुकात का डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आसिफ जुबदेव के साथ लद्दाख फ्रंटियर के लिए।